पंजाब हुकूमत का तरक्की की जानब एक और कदम। लाहौर गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड प्रोजेक्ट की बासाबता मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। वजीर अला उस्मान बुज़दार का जल्द मंसूबे का संग बुनियाद रखने का ऐलान। मंसूबे से लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव 65% कम होगा। सुप्रीम कोर्ट मुनाल रेस्टोरेंट से सील करने के खिलाफ अपील पर सबात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मतल करने की इस्तेमाल मुस्तरद। वफाकी हुकूमत अफ्रीकन को नोटिस जारी। जो कुछ हुआ उसे फिलहाल वापस नहीं कर सकते। जस्टिस एजाज़ुल हसन के रिमार्क सबात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कराची में ली मार्केट बस स्टैंड खत्म करके प्लाजा बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को बस स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। जाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने तक कार्रवाई नहीं की जा सकती। एडमिनिस्ट्रेटर KMC सेक्रेटरी बल्दियात सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को नोटिस जारी। आलमी मार्केट में कई रोज की तेजी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $3.47 कमी। फी बैरल कीमत 92 डॉलर पर आ गई। बरतानवी खाम तेल $3.33 सस्ता। फी बैरल नर्ख 93.95 डॉलर पर आ गया। चीनी अफगानिस्तान के असासे जब्त करने के अमरीकी इकदाम को डाका करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी इकदाम इखलाकी गिरावट जाहिर करता है। अमरीका जल्द अज जल्द अफगानिस्तान के पैसे लुटाएं। पेशावर जलमी ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 25 रन से हरा दिया। जलमी ने 186 रन का हदफ दिया। शेब मलिक ने 58 और हसैन तरब ने 51 रन बनाए। नसीम शाह की 4 विकटें। ग्लेडिएटर्स 161 रन बना सकी। अस्मेट 99 के स्कोर पर विकट गंवा बैठे। उस्मान कादर ने 3 खिलाड़ी आउट किए। मैच के दौरान सुहेल तनवीर और बेन कटिंग में नसीबा अशारों और जुमलों का तबादला हुआ। शिकस्तों के बनौर में फंसी कराची की टीम आज क्या खुल खिलाएगी। कराची किंग्स का आज मुल्तान सुल्तान से टाकरा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे इन एक्शन होंगी। कराची किंग्स ने यूनिट में 7 मैचेस खेले हैं और 7 में नाकामी का सामना किया। और बॉलीवुड के रॉक स्टार्स पप्पी लहरी चल बसे। पप्पी लहरी अपनी मुनफरद मौसीकी और जेवर पहने की वजह से मशहूर थे। भारतीय गुलगार पप्पी लहरी का इंतकाल 69 साल की उम्र में हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक पप्पी लहरी मुंबई के अस्पताल में जेरे इलाज थे।